बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय। नमस्कार, टीवी नेट में देख रहे हैं आप और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। पीएचडी टेलीविजन की बात करें तो लगातार मांग जो है वो कर रहे हैं और वहीं पर इस वक्त बीजेपी की रैली यहाँ से गुजरती है और आप साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं कि नारेबाजी जो है पीएचडी टेलीविजन से नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की नारेबाजी जो है वो की जा रही है और वहीं पर आपको बताते चले कि इस वक्त बीजेपी की रैली यहाँ से गुजरती है और उसी समय बीजेपी की नारेबाजी जो है यहाँ पर कर रहे हैं। साफ तौर पर आपकी तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी रैली यहाँ से गुजरी थी और वहीं पर आपने नारेबाजी शुरू कर दी, क्या कहना चाहेंगे? प्लीज करो, देखिए ये गेट बंद किया हुआ है, प्रशासन की तरफ से गेट बंद है, कोई हम उग्रवादी नहीं थे, ये गेट बंद करके बैठे हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं बीजेपी वालों को, हमारी पार्टी लाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर हमारी पार्टी नहीं तो कदा भी चेत आपके साथ खड़े नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको वोट नहीं देंगे। याद रखना, दिल्ली बेजी का बच्चा वोट नहीं देगा। जिन लोगों को श्याम लाल शर्मा जी को पूछनी थी क्या हुआ उनके साथ, अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। बीजेपी की जहाँ रैली होगी वहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, अगर हमारी पार्टी लेते हैं तो हम जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ये हमारा वादा है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। 2014 के अंदर जब ललकार रैली का आगाज हुआ था तो इन्हीं लोगों ने हमारे साथ जब वायदा किए थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आती है तो सबसे पहला काम जो होगा वो तमाम जो जम्मू कश्मीर का डेली वेजिस होगा उसको परमानेंट करने का होगा। तो आज 8 साल बीत जाने के बाद डेली वेजिस जू का तू ही पड़ा हुआ है। जिस प्रकार से हम लोग 94 से लेके रह रहे थे, आज की डेट में भी हमारी हाल जो है बहुत से भी बस से बदतर होती जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम लीडरों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कब तक हमारे साथ झूठे वायदे करते रहोगे? आप लोगों ने एमपी इलेक्शन के अंदर हमारे साथ झूठ बोला, आप लोगों ने असेंबली इलेक्शन में हमारे साथ झूठ बोला, आप लोगों ने DDC इलेक्शन में हमारे साथ झूठ बोला, लेकिन अब डेली वेजिस जो है ये आपके झूठे जो झूठे आप लॉलीपॉप हमारे आगे फेंकते हो, हम इनमें आने वाले नहीं है। अब हमारे लोगों ने जो एक निर्णय ले लिया है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये स्पष्ट संदेश हम आज की सरकार को आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। सीधे शब्दों में आपको बताते चले कि बीजेपी की रैली जो है वो डोगरा चौक से गुजरती है और वहीं पर पीएचडी डेली वेजर्स जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं पर जैसे ही पीएचडी डेली वेजर्स की नजरें रैली पर पड़ती है, बीजेपी की रैली पर पड़ती है और वहीं पर नारेबाजी जो है हाय हाय के नारे जो है वो लगाए जाते हैं पीएचडी डेली वेजर्स की तरफ से। और वहीं पर आपको बताते चले कि इनके मांगे हैं, इनकी मांगे क्या, इनकी मांगों की बात करें तो लोकलाइजेशन पॉलिसी की मांग इनकी है और वहीं पर सरकार अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई और आक्रोश और गुस्सा आप साफ तौर पर देख चुके हैं कि कितना गुस्सा और कितना आक्रोश जो है इन पर भरा पड़ा हुआ है। तक करिए टीवी नेटवर्क न्यूज डेस्क के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।